देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर विधायक दल की बैठक, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, मंत्री अरविंद भदौरिया के बयान पर किया पलटवार, बीजेपी को बताया कौरवों की टीम। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। लोकतंत्र को कलंकित करने का जो पूरे देश में महाचलन इस भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उसके विधायक और मंत्रियों से सभ्य भाषा का कैसे प्रदेश की जनता आस करे। इनके जब महाभारत हुआ था तो कौरवों को और खासकर दुर्योधन का जो पात्र था वो लगातार अहंकार की भाषा बोलता था। उस समय के धर्म से जुड़े हुए लोग, भगवान कृष्ण और पांडव और कई ऐसे लोग जो कौरवों के साथ भी थे पर धर्म के साथ थे, वो इनकी भाषा पे, इनके कार्य करने की व्यवहार पे उस समय भी गौर कर रहा था। आज का भी मध्य प्रदेश का नागरिक, देश के नागरिक इनके सारे कृत्यों पर गौर कर रहा है। तो क्या शकुनी और सही समय पे वध कर देगा इन? तो क्या सर शकुनी और जो दुर्योधन सब हैं इस पार्टी में? इस पार्टी में शकुनी है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, सब एक से ऊपर से नीचे तक कौरवों की टीम है भारतीय जनता। प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या सच्चाई? अब हम लोगों को तो पहले प्रलोभन, सबसे पहले हम लोगों को दिया था वो छोड़ा जी हमें, तो हम सब लोगों का वैसे निष्ठावान सिपाही हैं, राहुल गांधी कमलनाथ के सिपाही, कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सिपाही, तो हमारी आस्था कांग्रेस में, जिस पंजे से हम जीते हैं, जिसने हमें मान सम्मान दिया, वो लोग हमें जो जीतने वाले थे वो चले गए, जो अपनी माँ के साथ जिन लोगों को धोखा करना था, तो हम लोग पार्टी में है, पार्टी मरते दम तक पूरे जीवन भर पार्टी में रहेंगे, पार्टी का मान सम्मान दिया, पार्टी की सेवा करेंगे, जनसेवा करेंगे, पार्टी के नेता। बीजेपी दावा करते हैं, बीजेपी के नेता, कि अभी भी हमारे पास 14-15 विधायक लाइन में लगे हैं कांग्रेस के आने की बात करें तो कुछ ही देर में। अब आप तो देख रहे हैं प्रलोभन दे रहे हैं, राजस्थान या मध्य प्रदेश जो करोड़ों रुपए का प्रलोभन ले रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बिना चुने हुए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिना चुने हुए लोगों को मंत्री बना रहे हैं, 6 घंटे बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं निगम मंडल में। तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा काला चेहरा, इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, पूरे देश के सामने है, आज नहीं तो कल देश को समझ में आएगा। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, एक तरफ जो नैतिकता की बात करने वाले, चरित्र की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरा असली चेहरा जनता के सामने है। जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया, कमलनाथ जी को दिया, तो उसके बाद भी क्या स्थिति है? तो बिकाऊ लोगों की तो कुछ, जिनकी कोई औकात नहीं है वो लोग जो बिकते हैं, इसमें तो किसके माथे में तो लिखा नहीं रहता जो लोग बिकने वाले हैं। आपने देखा कि इस भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभात झा या अखिलेश विजयवर्गीय जैसे जी जैसे बड़े नेता है, लेकिन जो अपना जमीर बेच के, जो अपनी मात्र संस्था के साथ धोखा करके सिंधिया जैसे आदमी को राज्यसभा में भेजते हैं, और जो मंत्री गए हैं उनको भी, यहाँ भी बड़े मंत्रिमंडल में थे, तो अब जो लोग बिकने वाले हैं, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो तो बिकेंगे। वो परंपरा वर्षों से चली आ रही, सदियों से हम आप लोग देख रहे हैं, तो महाभारत और रामायण काल से देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये बैठक काफ़ी देर से हुई है, बैठक पहले होनी चाहिए? तो ये तो हमारे बड़े नेताओं का, कमलनाथ जी ने तो प्रयास हमेशा किया है कि मध्य प्रदेश का विकास हो। पिछले 15 साल में आपने देखा, 15 चरण जंगल राज था, 15 महीने में कमलनाथ जी ने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर लेकर आएं। युद्ध का युद्ध हो, मुमाफियाओं के खिलाफ हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, जहाँ से चावला जी और हम दोनों जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्ज माफी की, तो कमलनाथ जी तो प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब एक तरफ आपने देखा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जो षड्यंत्रकारी सरकार है, इन्हें षड्यंत्र करके सरकार बने, तो इसमें अब क्या कर सकते हैं आप? पूरा आज तो कल काला चेहरा इनका सामने आएगा। लगातार मैं कह रहा हूँ, जो बिकने वाले लोग हैं, जिनका ईमान धर्म नहीं है, वो तो बिकेंगे, उनका क्या कर सकते हैं? अगर जो जिनको, जिनकी नैतिकता नहीं है, जिनको अपनी माँ को धोखा देना है, जिनका वो चरित्र नहीं है, वो तो बिकेंगे, उनको कुछ क्या कर सकते हैं? जिनको, जो बिकाऊ लोग हैं।